नवाबशाह में ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। पाक आर्मी, नेवी और रेंजर्स के साथ साथ दिगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ हैं। हैवी मशीनरी के जरिए बोगियों को सीधा भी किया जा रहा है। तमाम लाशों को नवाबशाह सिविल अस्पताल और दीगर अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। मजीद तफसीला जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ ज़ुल्फ़िकार अली से। ज़ुल्फ़िकार अली, रेस्क्यू कार्रवाइयों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पर अमल जारी है। इस वक्त रात हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिस करने वाले इदारे हैं, ईडी है, 112 है और यहाँ के मकामी लोग हैं, रेस्क्यू का अमल जारी है। बोगियों को, तमाम तर बोगियों को जो है सीधा कर दिया गया। हेवी मशीनरी, अगर मेरे अकम में आप देखें तो हेवी मशीनरी के जरिए जो बोगियाँ पटड़ी से उतर सीधा भी किया गया है। पर इस वक्त भी लोग जो है ये खाने पीने की अशिया लेके जा रहे हैं और लोगों के लिए लेके जा रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये कहाँ से लेके आ रहे हैं और इनका क्या कहना है। हम यहाँ पे जो जख्मी हैं उनको तकसीम करने के लिए, उनको जख्मियों के लिए लेके आ रहे हैं, खाने पीने की अशिया लेके आ रहे हैं। कितने जख्मी मौजूद हैं क्या यहाँ पर? यहाँ पे कुछ है तो जी, बिल्कुल यहाँ पर जो मुखय्यर हजरात हैं, रेंजर्स, आर्मी और दीगर इदारों के साथ ये जो मुखय्यर हजरात हैं, इन्होंने भी अपना आप जो है यहाँ पर निभाया है और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग जो अगर मौजूद हैं, अगर कोई मुसाफिर फंसा हुआ है या जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके लिए खाने पीने की अशिया का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। जी ठीक है ज़ुल्फ़िकार, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।